तो महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने अपना दम दिखाया है तो वहीं भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए महाराष्ट्र में नए सियासी गठबंधन बनने के बाद पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। राज्य की 48 सीट लोकसभा सीटों में से 30 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, जबकि राज्य में एनडीए को सिर्फ 17 लोकसभा सीटें नसीब हुई है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 13 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने 9 और वहीं शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की है। अगर बात करें एनडीए की तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना 7 और अजीत पवार की एनसीपी 1 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। देखिए राज्य में 1 लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका, ये बड़ा झटका लगा है जो कि किसी सदमे से कम नहीं है। राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी संयुक्त शिवसेना को 18 लोकसभा सीटें जीत हासिल हुई थी। लेकिन महाराष्ट्र में ये बड़ा उलटफेर देखने मिला है, जहां महाराष्ट्र में एमवीए महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली है, महायुति को 17 और अन्य को भी 1 सीट हासिल हुई है। देखिए 13 सीट पर जीत हासिल कर राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा को 9 सीटें मिली हैं तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीट हासिल हुई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटों पर जीत मिली है, वहीं राष्ट्रवादी को 1 और वहीं शरद पवार गुट को 8 सीटें मिली है। बात की जाए अमरावती की तो अमरावती में नवनीत राणा और ठाणे में राजन विचारे की हार हुई है। ये दोनों की हार से महाराष्ट्र में ये बड़ा झटका है भाजपा के लिए। तो वहीं अरविंद सावंत, पीयूष गोयल और वर्षा गायकवाड़ की जीत हुई है। पीयूष गोयल की जीत से भाजपा को एक पीयूष गोयल की सीट मिली है। वहीं बीड़ में पंकजा मुंडे की 7,000 वोट से हार गए हैं और मुंबई नॉर्थ सीट पर भाजपा का कब्जा है। पीयूष गोयल 3.5 लाख से 5 लाख अधिक वोटों से जीत हासिल की है। और वहीं मुंबई में अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में 6 में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली है तो वहां महायुति को 17 सीटें हासिल हुई हैं।